नमस्कार, मैं शिवांगी आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते अपने धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। माता गुजरी व चार साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरमत समागम करवाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और माता गुजरी कौर के बलिदान को याद करते हुए यंग बॉयज यूथ क्लब की ओर से लुधियाना में गुरमत समागम करवाया गया। इस मौके भारी संख्या में श्रद्धालु गुरमत समागम का हिस्सा बने रहे। अज असी सारे यंग बॉय यूथ क्लब के मैंबर सारे अज एक दिवस दीवान करा रहे हैं, जो कि छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे माता गुजरी के शहीदी रूप से असी एक दिन का दीवान करा रहे हैं। ठीक है ना, सारे जने सारी संगत को बेनती है कि पहुँचने की कृपालता करन, तो वधिया जिहड़ा प्रोग्राम साडा हो पावे। इस करके कि सारे मैंबरां नूं भी बेनती है कि सारे एकागर नाल इकट्ठे होण और इस जोड़ मेले दे उपर असीं हर साल इदां ही इह मेला जिहड़ा साडा कंटिन्यू चलदा रहे। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। गुरमंडी स्थित प्राचीन तालाब मंदिर में बीती शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा स्वयं भजन गाकर भक्ति रस का आनंद लिया गया तथा श्रद्धालुओं में लंगर प्रसाद भी वितरित किया गया। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। लुधियाना के जैन पब्लिक स्कूल के प्राइमरी विभाग में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। पूरे स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया जिसमें क्रिसमस ट्री आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस मौके नन्हे मुन्ने बच्चे सेंटा और फेरी की वेशभूषा में बेहद मनमोहक लग रहे थे। सेंटा बनकर आए बड़े बच्चे ने नन्हे मुन्ने बच्चों में चॉकलेट्स, टॉफियां और कई गिफ्ट्स बांटे। बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। मेरा नाम सतविंदर कौर है और मैं जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। आज जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन में क्रिसमस और नव वर्ष का फंक्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें प्री नर्सरी क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक के बच्चों ने इसमें परफॉर्मेंस की। बच्चे ही बड़े ही सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस में ड्रेसअप होके आए और गर्ल्स ने फेरी टेल की ड्रेसेस पहनी और अलग अलग गानों पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बहुत सारी एन्जॉयमेंट की। इसी में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटे गए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों को इन फेस्टिवल्स की महत्ता के बारे में पता चले। स्कूल प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री नंद कुमार जी ने भी बच्चों को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बधाई दी और उनके सभी मेंबर्स ने भी बच्चों को और टीचर्स को नव वर्ष की बधाई दी। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। जहां वातावरण की शुद्धता और सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा काम किया जा रहा है, वहीं स्कूली प्रशासन भी इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। वहीं क्रिसमस को मुख रखते हुए नंदन किड्स प्लेवे स्कूल पठानकोट में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान बच्चों के माता पिता को पौधे वितरित किए गए। स्कूल की प्रबंधक कुसुम डोगरा ने बताया कि सभी को पौधे लगाने चाहिए जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। इस मौके पर प्रबंधक कुसुम डोगरा ने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। नंदन किड्स फ्री स्कूल जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ और ये स्कूल हमारी एक फ्रेंचाइजी है जिसके 200 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। और हमने ये ब्रांच शुरू की है पठानकोट में, हमारी पहली ब्रांच है ये। हमने लास्ट ईयर 14 सितंबर से शुरू की है और आज हमारे पास इस बगिया में 25 फूल खिल रहे हैं, 25 बच्चे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें सोसाइटी की तरफ से। आज हमने जो पेरेंट्स को मीटिंग में प्लांट्स दिए और साथ में क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट।
मिशन ऑफ जीजस चर्च की तरफ से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन शहर के महाजन सभा पठानकोट में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पादरी सुमेल की प्रार्थना से किया गया। इसमें पंजाब भर के नौजवानों ने हिस्सा लिया। इसमें 55, 65, 60 किलो के शारीरिक वजन वाले युवकों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 40-50 युवकों ने हिस्सा लिया, जिसमें से ओवरऑल चैंपियन पंजाब से आए इंद्रजीत कुमार रहे। इस मौके पास्टर अजय राणा, अध्यक्ष अभिषेक राणा, प्रधान आशीष राणा और आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। उत्साह देखा जा रहा जिम्मे ठंड के मौसम के मुंडे कपड़े ला के तैयार रहे स्टेज पर आ असं इतने अब कंपटीशन करा आ रहे हैं जी मिस्टर पठानकोट तो बहुत ही जल्द असं स्टेज पर लैके आ रहे हैं साढ़े नाल जनरल सैकटरी साढ़े नवनीत सिंह जी जो कि पंजाब के जनरल सैकटरी भी है साढ़े नाल बैठे हैं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। लुधियाना के जालंधर रोड स्थित एक निजी होटल में गायत्री लेडी क्लब की ओर से प्री क्रिसमस और न्यू ईयर बैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और खुलकर मस्ती की। क्लब के प्रधान नीता मल्होत्रा ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और सबको क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। मैं शैली गोयल, एडवाइजरी गायत्री क्लब। आज हम यहाँ पे क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए एक पिकनिक का अरेंजमेंट किया है, जिसमें एक स्किट था जो मेरे और रवनीत जी द्वारा परफॉर्म किया गया। तो उसमें रिंकी ते पिंकी दे नवा स्यापा ए प्ले किया गया सी। तो इस विच असी पिकनिक मना रहे हैं तो बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं तो बहुत वधिया अरेंजमेंट मल्होत्रा रिजॉर्ट वालों किया गया है। हेलो, आई एम डिम्पल फ्रॉम गायत्री लेडीज़ क्लब। आज हमने यहाँ पे क्रिसमस का थीम रखा था। क्रिसमस थीम में सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो रेड ड्रेसेस और ब्लैक ड्रेसेस में आए हुए थे और ऑल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और सब ने क्रिसमस के कैरल्स भी गाए और एक स्किट पेश की गई रवनीत जी और लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। शाहकोट के डिस्कवरी स्कूल में पंजाबी विरसा मेला धूमधाम से करवाया गया। प्रिंसिपल श्रीमती वंदना धवन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार यह पंजाबी विरसा मेला करवाया गया है, जिसमें बेबी शो मुकाबला भी करवाया गया, जिसमें 2 से 5 साल तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मेले के मुख्य मेहमान सरदार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया MLA शाहकोट जी विशेष तौर पर पहुंचे। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा अपना मंगी महल बेरीज ग्लोबल डिस्कवरी जिहड़ा स्कूल है शाहकोट दे विच नी मलसियां शाहकोट रोड ते मलसियां दे विच। सो उत्थे असीं अज आए हैं जी पंजाबी विरसा 2019 दे विच प्रोग्राम पेश करांगे जी। अज बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों नूं मिल रहे हैं जी, बड़ा आनंद आ रहा है। सो इस कॉलेज की इस स्कूल की सारी मैनेजमेंट जिहड़ी कमेटी आ और जिन्ना स्टाफ आ उन्होंने सारे मेरे वालों बहुत ज्यादा मुबारक जी। परमात्मा चढ़दी कला च रखे, ऐदा ही एजुकेशन जी वही रहे पंजाब दे विच। स्कूल आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। साडे स्कूल दे विच अज पंजाबी विरसे का एक जिहड़ा शो असी रखिया है, उहदे विच मिलजुल के जो एक आपां एक सहयोग नाल चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मैनूं सहयोग मिलिया पेरेंट्स वालों भी तो जिन्हें आए हुए मेहमान ये सारे मेरे नाल जुड़े ने, जिन्हां दे विचों मंगी माहल जी, स्वरण टैना जी, हरमनथीन जी ते चाचा बिश्ना जी। बहुत ही वधिया लग रहा है, अज इदां लग रहा है कि जिदां सारा पंजाब भी मेरे स्कूल दे विच आ गया। मैं बहुत दिलों सारिआं दा धन्नवाद करदी हाँ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा अपना चाचा बिश्ना ते मेरे नाल बीरा शराबी ते जगजीत गब्बर ते साडे सारिआं वल्लों बहुत बहुत वधाईआं जी बेरी स्कूल वालिआं नूं, जिन्हां विच अज बहुत वड्डियां महान शख्सियतां पहुंचियां ने, जिवें कि विजय संपला जी पहुंचे ने, प्रदीप खुल्लर भाजी पहुंचे ने और मैं मुबारकबाद दिना कॉलेज के डॉक्टर साहब नूं, डॉक्टर बेरी जी नूं, जिन्हां ने यह बहुत प्यारा प्रोग्राम लिखिया जी। शाहकोट से लखबीर साबे की रिपोर्ट। खबर श्री मुक्तसर साहिब से है। यहाँ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भाई महा सिंह दीवान हॉल में एक मीटिंग की। मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माघ के पहले दिन जोड़ मेला और अकाली दल बड़ी कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मौके उन्होंने कांग्रेस पर शब्दी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गैंगस्टरों के हौसले बुलंद है और वह बिना किसी डर से जेलों से ही फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकाली भाजपा सरकार आने पर झूठे पर्चे दर्ज करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं वर्करा का धन्यवाद करता है, तुसी थोड़े दिनां दे सद्दे ते
ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਖੇਧ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸੋਨੂੰ ਖੇੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। केंद्र सरकार की तरफ से देश में लागू किए नागरिकता संशोधन कानून के विषय पर सहयोग सोशल वेलफेयर काउंसिल पंजाब की तरफ से रोटरी क्लब लुधियाना में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह बोपाराय ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एंकर एवं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के महासचिव श्री मनोज शर्मा जी, पांजान्य पत्रिका के संपादक श्री हितेश शंकर जी और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ एंकर श्री अनुराग पुनेठा जी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री मनोज माजी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से संविधान सम्मत है, इसका विरोध राजनीति से प्रेरित है। विरोध का जो हिंसक तरीका अपनाया गया है वह लोकतंत्र, संविधान और देश की एकता, अखंडता तीनों के खिलाफ है। उसे बाबा साहब की थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आर्य कहीं से नहीं आए थे, इसी देश के, इसी जमीन के हम लोग हैं। बाबा साहब से बड़े नहीं है और विज्ञान से बड़े, डीएनए की रिपोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। लोगों की राजनीति इस देश में जो बांटने की है उसको एक तरफ रखने की बहुत जरूरत है। सर, इसी बात पे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, मुझे भी आर्यन का शब्द था तो उन्होंने तो बोला कि वेदों में दिया हुआ आर्यन बाहर से आया। ऐसा है, विज्ञान की जो थ्योरी है आप उसको देखिए, लेटेस्ट जो शोध है वो बताते हैं कहीं से नहीं आए थे, कोई मंगल ग्रह से नहीं आया था, सभी यहीं के रहने वाले लोग हैं और कोई अंतर नहीं है। और मुसलमान है जो रोड़ा जी इस बात के गवाह बैठे हैं, मुसलमान बोल रहे कि हम मूल निवासी हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो आर्यन हैं। नहीं तो मूल, देखिए मूल निवासी क्या, मूल निवासी 1400 साल पहले एक मजहब बना है, बाकी सारी चीजें आप मुसलमान और हिंदू क्यों लाए हैं? आप जो नस्ल की बात कर रहे हैं, अगर रहने वाले हैं तो मूल निवासी क्या होता है अलग से, कि आर्य हैं, द्रविड़ हैं, मूल निवासी हैं, इनमें झगड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डीएनए टेस्ट बताता है कि यहाँ के रहने वाले जो हैं वो एक जैसे हैं, कोई अमेरिका और कनाडा से आके यहाँ पर लोगों ने वो नहीं किया, यहीं के लोग हैं। वो मुसलमान कहते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, हम जो मुसलमान, तो ये तो ये बात कौन नहीं जानता कि मुसलमान कन्वर्टेड हैं। गुरु गोविंद सिंह के समय पर देखा, भाई मतीदास के समय पर हमने देखा, सब किस किस तरीके की यातनाएं हुई वो सबने देखा है कि कैसे कन्वर्ट हुए हैं लोग। आखिरी सवाल, जो एनआरसी जो बड़ा चल रहा है कि इसको साबित करने के लिए हम कैसे साबित करेंगे कि हम भारतीय हैं? देखिए ये बड़ा सहज है। आज आप जैसे बैंक में खाता खुलाने के लिए आप एक प्रक्रिया का पालन करते हैं ना, इसी तरह से एनआरसी की भी प्रक्रिया होगी और उसके लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे जो कि आपके पास है ही नहीं है, कोई साबित करना नहीं चाहता। वो नागरिकता को सिद्ध करने के लिए और घुसपैठियों को निकालने के लिए है। अगर ये मेरा घर है तो डर कैसा, और चोरी से घुसे हो तो आपका घर कैसा, ये एक सवाल है जो उससे सुलझने वाले हैं। आज यहाँ पर लुधियाना शहर में जो यहाँ के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ एक रूबारू कार्यक्रम रखा था, खास तौर से जो नागरिकता संशोधन कानून है उसके बारे में रखा था। मैं मनोज वर्मा हूँ, दिल्ली में पत्रकार हूँ, तो यहाँ के लोगों ने हमको दिल्ली से बुलाया था कि इस कानून में अंतर किया है। नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लोकसभा राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद पास हुआ। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। लुधियाना से विकास भांबरे की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब के प्रसिद्ध लेखक और उगे समाज सेवक डॉक्टर जसवीर सिंह गोलाल की लिखी हुई किताब सिखी बाबे नानक की और पंजाब की नौजवान पीढ़ी को नशे से सचेत करने वाली प्रस्तुति बलदे सिवे मुख्य मेहमान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के प्रधान प्रीत पाल सिंह की अगुवाई में दो पुस्तकें रिलीज की गयी। आज पंजाबी गीतकार मंच दे सहयोग नाल प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जसवीर सिंह गोलाल उन्हां दियां दो किताबां रिलीज कीतियां। पहली किताब जिहड़ी आ उह धार्मिक किताब आ, 550 साल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा, उहनूं गुरपुरब नूं समर्पित सिखी बाबे नानक दी, जिहड़ी कि गुरद्वारा दुख निवारण साहिब दे प्रधान जी सरदार प्रितपाल सिंह जी ने अपने कर कमलां दे नाल रिलीज़ कीती आ, इस सिखी बाबे नानक दी। ते दूसरी किताब जिहड़ी आ बल दे सिवे, जिहड़ी नशियां ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ, ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਰਥ ਰੱਖੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਫਰਿਆਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬਰੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਟਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਸਥਾਨੀ ਰੋਟਰੀ ਭਵਨ ਮੇਂ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਔਰ ਕਈ ਸਕੂਲੋਂ ਕੇ ਛਾਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਯਹ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੋਂ ਸੇ ਸਥਾਨੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਹਿਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੇਂ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਨੇ ਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੁੱਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਮੰਚ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਔਰ ਸਭੀ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਪੜੇ ਔਰ ਜੂਟ ਸੇ ਬਨੇ ਸੈਂਕੜੋ ਬੈਗ ਤਕਸੀਮ ਕੀਏ ਗਏ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟਰੀਅਨ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਐਮ ਸੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਤੌਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਚੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਏਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਇਹਦਾ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਵਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਯ ਮਾਰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ BSA ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸ ਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮੁਦਾਇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਜਨਮ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। CNI ਚਰਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ
ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। लुधियाना के एक निजी रेस्टोरेंट में आज क्रिएटिव लेडीज क्लब की तरफ से एक एनुअल प्रोग्राम करवाया गया जिसमें सभी महिलाओं ने डांस किया और संगीत पेश किया। आज क्लब की पुरानी मिसेस सुरेंद्र बांसल प्रेसिडेंट को मुक्त किया गया और उनकी जगह पर आज डायरेक्टर मिसेस कुलवंत भंबर को क्लब का नया प्रधान बनाया गया। एजुकेटेड एंड वेल गुड पर्सनैलिटी एंड शी इज़ वेरी गुड सोशल एक्टिविटीज एंड शी इज़ टू गुड कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बने हैं और मिसेस बांसल के लिए हिप हिप हुरे जिन्होंने। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। क्रिसमस की तैयारियों को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, उसी संबंध में आज लुधियाना में एक विशाल शोभा यात्रा टेम्पल ऑफ गुड्स चर्च की तरफ से पास्टर अलीशा की अगुवाई में निकाली गई। राष्ट्रीय शहीद के पास्टर सुल्तान जी को समर्पित इस शोभा यात्रा में प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित झांकियां भी निकाली गई। पास्टर अलीशा है द टेम्पल ऑफ गॉड्स से शोभा यात्रा कढ़ी जा रही जो कि हर साल असी कढ़दे हां और ये जलंधर बाईपास तो सलेम डाबरी होंदे हुए आएगी। इस विच बच्चों ने भाग लिता है और अनेक प्रकार दी झाकियां कढ़ियां जा रही ने। इस विच असी संदेश यही देना चाहते हैं कि आओ सब मिल के भाईचारे नाल असी जाइए ते एक दूजे नाल खड़े होइए ते क्रिसमस दे उते असी मिल के सैलीब्रेशन कर सकीए। अली शाह दे रहन माई दे नाल जो शोभा यात्रा निकल रही ने असी उन्हें बच्चे सानू उन्होंने बुलाया असी उन्होंने बना दे नाल मैं असी उन्होंने धन्यवाद करते हैं अते मैं यही अपील करांगा जिस तरीके भाईचारे दे नाल सारे इसी तरीके नाल अमन शांति दे नाल जिस तरीके नाल यीशु मसीह का संदेश है और प्यार करना है और प्यार करदे उन्हां दी खातर उन्होंने लड़ना लड़िया है। मैं एक कम यही करांगा अज्ज दे दिन ते सारे नूं लख लख बधाई और मैं इस तरीके नाल शोभा यात्रा निकलदियां रहणगियां। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। आपको बहुत दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि हमारे आदरणीय श्री विनोद कुमार जैन सुपुत्र श्री चिरंजी लाल नारीवाल का आज अचानक स्वर्गवास हो गया है। उनकी अंतिम शव यात्रा आज उनके निवास स्थान से सिविल लाइन्स शमशान घाट के लिए रवाना हुए। उनकी रसम पगड़ी 24 दिसंबर को प्रातः 11 बजे महावीर भवन जैन स्थानक सिविल लाइन्स लुधियाना में होगी। आत्मा चैनल श्री विनोद कुमार जैन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें आत्मचैन के साथ। धन्यवाद।